नमस्ते प्रणाम राम राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका गौरांगी शर्मा व्लॉग में। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम मनाने जा रहे हैं राखी। शाम के हो रहे हैं 5:30 और अब है राखी बांधने का टाइम। तो गुड्डू तैयार हो चुकी है, गुड्डू ने पहनी है फ्रॉक। वाह वाह करो, वाह करो, वाह पहना है, बताओ वाह वाह। अब इनकी आज इजे और गुड्डू की दूसरी राखी है। बाबू बाबू, और ये एक बाबू आया है, गुड्डू का बाबू है ये। ये है गुड्डू का बाबू। बाबू कहाँ है, कहाँ है बाबू? ये है बाबू, ये है बाबू। दूसरा बाबू कहाँ है? दूसरे बाबू कौन है? ये दूसरा बाबू। चलो राखी बांधते हैं, मनाते हैं और बने रहिए मेरे साथ इसी व्लॉग में। बाबू क्या टीका लगाने जा रहे हो? टीका लगाने जा रहे हो भैया के? भैया के टीका लगाने जा रहे हो? टीका लगाओ भैया के। ले लगा, ले टीका लगा, लगा दे, टीका लगा दे भाई। पकड़ मेरा हाथ, पकड़ लगाओ। पापा के लगा दे, ले पापा के लगा दे, भैया के लगा दे, पानी डाल दे। ए मेरा क्या हो गया? ले ले और लगा। ए लगाया, देख क्या रहे। अच्छा गुड्डू ये उठाओ, ये चावल पकड़ो, देखने भी जाएगा। देख इतनी छोटी बहन से ही टीका लग गया, बहुत बड़ी बात है। बोल रहे हैं बड़ी बात है ना। बोल रहे अच्छा, अब गुड्डू बांधेगी भैया की राखी। अरे चीज मुझे गुड्डू बांधेगी भैया की राखी। एक तो ये वाली, एक ये वाली, ये नहीं तेरी। लो गुड्डू, गुड्डू भैया को राखी बांधो। ये मानसी तो बांधवा, ये मानसी तू बांध देना ना, इसको बांध, एक बार, एक बार इसको पकड़ो। ऐसे लो किसी छोटे से, छोटे से गुड्डू भैया, ये राखी भैया की राखी बांधो। लो पकड़ो, लो भैया की राखी बांधो पहले। उसको मारने का मन नहीं है अभी। बाबू पकड़, पकड़ो ले भाई पैर, ले 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 मान जा तू बांध ले। इसके आधे बात पहले, पहले इसके आधे बात दे। हाँ ऐसे नहीं पहनेंगे मानसी, नहीं हाथ में पापा की घड़ी की जैसे। आज की राखी हमारे बच्चों के साथ में मन रही है, क्योंकि इसकी मम्मी गई है गांव और मैं नहीं गई हूँ गांव, मैं नहीं गई हूँ अपने जयपुर शहर। यहाँ चल रही है राखी बांधने की तैयारी। गुड्डू भी अब चीजों को समझने की कोशिश कर रही है, उसका ये दूसरा त्योहार है राखी का। आज बच्चे आ गए तो हमने आज ही मना ली, कुछ लोग कल मनाएंगे, कुछ लोग आज मनाएंगे। बच्चों की छुट्टी थी और ये आ गए तो हमने आज ही बांध ली राखी।
देखो भारत में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, उनमें भाई बहन का ये प्रमुख त्यौहार है और भाई बहन के प्यार को बनाए रखने के लिए त्यौहार विशेष है। छोटी छोटी खुशियों से रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाता है ये हमारे भारत में ही है। जैसे आज परिवार अलग हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन ये सब त्यौहार जो आते हैं फिर से जोड़ने के लिए आते हैं, हमें खुशियाँ देते हैं, प्यार बांटते हैं, तो इन्हें हमें मनाते रहना चाहिए और प्यार से लगाव से मनाना चाहिए। इसमें पैसे का या दिखावे का ज़्यादा ड्रामा नहीं करना चाहिए, खुशी खुशी इनको निभाना चाहिए। ना खिला कितना नहीं खाएगी वो? नहीं घर तेरे पास देते हम। नहीं मैं गुड़ के खाएगी। एक बात ले तू भी, भैया को खिलाओ। गुड्डू गुड्डू भैया को खिला दो। गुड्डू भैया को खिलाओ, ये भैया को खिला दे। लो भैया को खिलाओ। इसको भी खिलाओ, इसको भी खिलाओ। बीच में जाओ, आओ आओ। दीदी को भी खिलाओ, दीदी दीदी लो, दीदी आओ आओ जल्दी आओ जल्दी। गलती हो रहा, बाप रे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, गलती आ गया। सारे अपने हाथ आगे करो, एक बार हाथ आगे करो। यहाँ पर रखो, टेबल में गुड्डी। दर्द सारे दर्द देखो, सारे दर्द देखो। बोलो हैप्पी राखी, हैप्पी राखी, हैप्पी राखी, हैप्पी राखी। सब भाई बहन को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो त्योहार होता है ये ना भाई बहन के प्यार का होता है, ना कि दिखावे का। प्यार से रहो, प्यार करो, एक दूसरे का सम्मान करो, ठीक है। बहन का सम्मान करो, प्यार करो, कहना मानो, कहना भी मानना है, ठीक है। कहना मानो बहन का, ठीक है। इज्जत करो बहन की। थैंक यू, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। आपके लिए ले लो, गए ले दो यार मेरे को, चिज्जी लाऊंगा। बोलो तुमने कम दिए हैं, ऐसे बोल रही है, इसलिए उससे ले लिए, इससे इसलिए उससे ले ली, बोले कम दिए इसलिए। तो दोस्तों खाने में है आज छोले चाप, लहसुन की चटनी, हरी सब्जी, रोटी और दूध। करते हैं फटाफट से डिनर और तैयार हो जाइए डिनर के लिए। गरम गरम छोले चलो खाओ फिर, है मैं बाद में खाऊंगी। बाय ठीक है, बाय बाय बाय।